हेलो गाइस, आज का दिन है 8वां। हमारा डेली ब्लॉगिंग जो चैनल है वो चल रहा है। तो गाइस, कल वाले लोकेशन में आ चुके हैं। ये देख रहे हमारे आर्मी वाला मोर्चा आप देख सकते हैं, बड़ा हुआ है। तो कल हम यहाँ से थोड़ा सा आगे गए थे, तो मैंने सोचा यहीं से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज का जो हमारा टारगेट है सादाली कार तक जाने का, उसे हम जरूर पूरा करें। मेरे साथ में विष्णु है, हिमांशु है और साहिल है। तो सभी अपना अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, तो चलते हैं और आपको रास्ते में घनी झाड़ियां दिखाते हैं। हम यहाँ पे छुप गए हैं कल की तरह। तो गाइस, इन्होंने देख लिया, कोई नहीं, एक दिन प्रैंक करेंगे इनके साथ। अरे सर यार, आई एम प्रो, मेरे साथ कोई प्रैंक नहीं कर सकता। ओ भाई साहब, एक दिन गंदा वाला ऐसा काटेंगे ना। काटेंगे क्या काटेंगे, कहना क्या जाते हो, समझ रहे हो। ये व्लॉगरों की भीड़ लगी है यार। एक मैं अच्छा, मेरे को कोई चैनल नहीं है यहाँ पे, काफी जा रही है। तो यहाँ पे जो मकड़ी नहीं होती वो हमारे ऊपर चढ़ रही है, जाले फेंक रही है स्पाइडरमैन की तरह, पिश पिश पिश। और हाथों पे मतलब काफी बेकार सा फील हो रहा है। सो गाइस, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप जो वीडियो को लाइक नहीं करते ना। हाँ, और साहिल की कई बात, 500 लाइक आनी चाहिए इस पे। 500 लाइक चाहिए, 500 लाइक, 500 1000 भी कर देना। तो गाइस, कभी भी 1500 करो तो आपकी मर्जी है। हाँ, तो गाइस, कभी भी आप जैसे पार्टी वगैरह में साहिल को बुलाएं तो आप बेझिझक बुला सकते हैं, क्योंकि इसके 500 रुपए फिक्स होते हैं शगुन के। क्या सर, क्या दिक्कत आ रही सर? क्या यार, ये कहाँ लिया है तुम? क्या हो गया? परेशान हो गया। अभी तो ये पहली मंजिल है मेरा तराना और नहीं। हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे मकड़ी के जाले हमारे पे उड़ उड़ के आ रहे हैं, तो उससे कर हमें काफी दिक्कत है। साहिल तो परेशान होके नहर में कूद गया। हम दिखाएंगे नहीं सीन, क्योंकि उसने बोला है कि मत दिखाओ, मेरे घर वाले आ जाएंगे नहीं तो। हाँ, जब तक उसके घर वाले आएंगे तब तक वो नहर से बाहर आ जाएगा। तो गाइस, हमारे एक साथ हिमांशु पता नहीं कहाँ रह गया। झाड़ियों में क्या कर रहा है तू? हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है? सुनने नहीं रहा, इग्नोर कर रहा भाई साहब। हिमांशु, पता नहीं रुकता क्यों, व्लॉग बनाते, मैं कहा चलते चलते बना ले। अगर लगता गाइस उसको किसी आत्मा ने उठा लिया है। ओए हिमांशु, आ जा। वो हमारी क्लिप में, उसमें काट दूंगा उसको ताकि घरवालों पता ना चले वो कहाँ चला गया। ये एक पुल बना हुआ है लकड़ी का, तो यहाँ पे चैलेंज रखा है। खतरे खिलाड़ी है वो पुल, इस पुल के नीचे नहर, और नहर में अगर पानी होता तो शायद नहीं लगती, बड़ा पानी नहीं है तो हमारी छिल जाएगी। तो गाइस, अब देखते हैं कि इसको पार कर पाते नहीं कर पाते। तो सबसे पहले विष्णु जा रहा है। यहाँ पे विष्णु भाई गए, चल लगे गाइस, ये ब्लॉग शूट करेंगे पूरा, चल रहा है गाइस, ये दिल्ली सिनेमेटिक सीन ले रहे हैं। साहिल जा रहा है, चले मांशु, हिमांशु ध्यान से जाइए। खतरों के खिलाड़ी, देवा साउंड लगा देना खतरों के खिलाड़ी वाली, ध्यान दे नहर में ना पड़ जी। ओ भाई, इसे ना छोड़ दे, इसको छोड़ दे, व्लॉगिंग को ला, मैं कर देता हूं आराम से। आ जा, गिर गया ना तेरे पापा, कह देगा मारन छोरो ले आके दे भाई, हमने भी तो गाइस, जब मेरी बारी। रमजान सर, आपको इतना क्यों डरते हो कुत्तों से? मैं डरते ही नहीं। डरते नहीं तो फिर जाओ, तेरे को फोबिया था इसलिए रुक गया। तो जाओ, आ जाओ, मैं चल रहा हूँ, आ जाओ, चलो अकेले। हाँ चल जाऊंगा, जाओ फिर अकेले जाना पड़ेगा। अपने इधर से जा रहे हैं, वो इधर से भाई है, कहता हूं अकेला हूं।
तो गाइस देखो उनके कुत्तों से फटती है इसलिए वो उधर से जा रहे हैं। विष्णु मेरे साथ जाओ, विष्णु मेरे साथ है। अब आए बिन्नो आओ, दे रहे कुत्ता तेरा फोबी हुआ है साहिल, कुत्ते से फोबी है तेरे को। ओ अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया था क्या, घंटा लेके जाएगा। घंटा है मेरे पास, बेल आइकन दबा दो, वो कह रहा हूँ घंटा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पाड़ ले। कौन तो गाइस, इससे डर लग रहा है, हिमांशु को डर लग रहा है, ये सिर्फ भौंकते हैं। विष्णु जा रहा है, कौन से कुत्ते हैं भैया भौंकने वाले, डायलॉग मारना, कौन से भौंकने वाले, ये हमारे हेटर्स हैं। नहीं है कौन से कुत्ते, वो फिल्म का डर, और भाई 8-10। तो गाइस सभी को डर लग रहा है, यहाँ पे कुत्ते हैं, भौंकी जा रहे हैं, तो सभी फट रही है। सनी देओल का डायलॉग कौन सा है, बलवंत राय कुत्ते, कौन से सारी बलवंत राय के, वो डर तो रहा है, वो देखो ऐसी फट रही है इन कुत्तों की, पर मेरे को नहीं खाएगा क्योंकि मैं रमजान भी आगे कर देगा, समझ रहे हो, कहाँ डर रहा हूँ, चल ले सोलेगा जो थोड़ा सा, मतलब वो खाते क्यों छेड़ रहे हो उसको, विष्णु आ जा, ज्यादा डरा को ज्यादा करा को, विष्णु खा जाओ, वो विष्णु पागल है, दीदी ने कह यार चल, पागल है विष्णु तू यार, मैं चुपड़ा मार दूंगा, और अंकल संभालियो इन्हें, अंकल जी संभालियो, अंकल आ जाओ। गाइस भाई पीछे पीछे आ भाई, भागना भागना आराम से, भाई उनको देख के मत, ये खड़ा ब्लॉग बनाने लग रहे हैं, क्या बात है, बात कर रमजान भी आने बैठे थे, आपने बाटा जगह वो बोलने लग गया। तो गाइस सुबह सुबह हमारा कुत्तों ने स्वागत किया भाई, ये चैलेंज मतलब पूरी तरह से यार विष्णु ने पूरा किया भाई, सबसे आगे यही था किसमें, ये देखो गाइस हवाबाजी पूरी करता, कुत्तों का फोबिया इसे, ये देखो तो हवा करनी जरूरी भी है भाई, आजकल हवा वाले बंदे हैं हम, ऐसे नहीं है ना जो भाई खाली वो गड़ा बाजे, हाँ ये आवाज मुझे हम करने पे आ जाते हैं, हम कुछ कर देते। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको मैं ना साहिल के किस्से सुनाऊंगा, गौरव के किस्से आपने सुन लिए, साहिल के किस्से सुनाएंगे आपको, हेड वाली नहर के पास आने के बाद, तो गाइस हेड वाली नहर के पास एक और मोर्चा दिखाई दिया हमें, तो ये काफी अलग सा दिखा, तो हम देखते हैं अंदर जाए कैसा ये। हेलो विष्णु, डर गयो, चल तेरी क्लिप है सारी, अच्छा भैया ये किस लिए, ये गन वगैरह के लिए, वो भी गन के लिए, गन के लिए, ये सोने के लिए। सामने हमारी लोकेशन आ चुकी है, हेड वाली नहर सदली काट, वहाँ पहुँचते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहाँ तक जब हम पहुँच रहे, हाँ वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सब्सक्राइब कर देना, मतलब बेल आइकन, तो वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पहले हमारी लोकेशन सदली काट, हम पहुँच चुके हैं, हमारा जो चैलेंज था कि सदली काट ने हेड वाली नहर पे पहुंचना है, वो हमारा आज वीडियो पूरा हो चुका है, तो आज दिन है 8वां, तो गाइस कल मिलते हैं आपको नई लोकेशन पे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, कि वहाँ पे जो अपडेट है मैं पहले ही दे देता हूँ, तो मिलते हैं आपको कल नई लोकेशन पे, तो वीडियो में बने रहना, तब तक के लिए बाय बाय।